सुबह उठते ही एसिडिटी, रात को जैसे ही लेटो तो रिफ्लक्स। क्या आपको ऐसी परेशानी सताती है? चिंता ना करें, आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताऊंगी कि एसिडिटी अगर आपको है, कि जो होता है पेट में ज़्यादा जलन जैसे होना, या आपको गले में से जलने के या सार ऐसे कुछ बाइल जैसे एसिडिक रिफ्लक्स होना, या उसकी वजह से रिफ्लक्स की वजह से काफ़ियों को उल्टी जैसे लगे ना, थ्रो अप भी करना पड़ता है, वॉमिट भी होना करना पड़ता है, तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं लाइक सो ऐसे सारे जो एसिडिटी के इश्यूज़ है वो कैसे मैनेज करें, और उसके लिए क्या हम खा सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताऊंगी। एसिडिटी ये बहुत कॉमन हेल्थ इश्यू है। काफ़ियों को लगता है कि एसिडिटी तो हर किसी को होती है, तो उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक एंटासिड खा लिया और काम हो गया। पर एंटासिड खाना ऐसे होता है जैसे हमारे घर में मेहमान अगर आ रहे हो और हमने जो सोफ़ा है उस पर बहुत सारा अगर सामान बिखरा पड़ा है और उस पर बस एक चादर या ब्लैंकेट डाल दिया, तो उसके नीचे का जो सामान है द मेस अंडर ऑन द सोफ़ा वो तो कुछ कहीं जाता नहीं, पर बस ऊपर से एक चादर सोफे पे पड़ जाता है, जैसे ऊपर ऊपर से लगे कि सब कुछ ठीक है, घर बिल्कुल चकाचौंध है। वैसे ही होता है एंटासिड्स खाना, कि अगर आप एंटासिड्स खा रहे हैं, या मतलब जो एसिडिटी की दवाइयाँ लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, या इवन गोली खाते हैं, तो वो एक होता है स्टॉप गैप अरेंजमेंट, मतलब टेम्पररी रिलीफ उससे मिलता है, आपको परमानेंट एसिडिटी का सोल्यूशन मिलता नहीं है। और आप जितने एसिडिटी एंटासिड्स खाते रहेंगे उससे आपका एसिडिटी का जो इश्यू है वो कांस्टेंट रहेगा और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एंटासिड्स खाने से आपका जो गट हेल्थ है, जो हम गट माइक्रोबायोम जो होता है हमारा, सबके स्मॉल इंटेस्टिन में माइक्रोब्स होते हैं, तो गट हेल्थ आपका खराब हो जाता है। तो इसलिए एंटासिड्स इज नॉट द सोल्यूशन टू एसिडिटी, एसिडिटी का परमानेंट क्योर ढूंढना ज़रूरी होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिटी किससे होती है। एसिडिटी अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स, मतलब फैट रिच फूड्स, ऑयली फूड्स, डीप फ्राइड चीज़ें, या ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खाना अगर आप खा रहे हो तो आपको एसिडिटी होती है। ये गारंटीड है कि आपको लाइक यू नो पीपल हु हैव अ टेंडेंसी फॉर एसिडिटी, वो अगर ऐसे खाना खाएंगे तो उनको ज़्यादा एसिडिटी होने वाली है। पर फिर एक मेरे पास क्लाइंट आए, वो बोले बेटा मैं तो बिल्कुल अच्छा खाना खाती हूँ, बहुत बहुत अच्छा सात्विक खाना खाता हूँ, पर फिर भी मुझे उठते ही एसिडिटी होती है। फिर मैंने उनको पूछा, सर आप चाय पीते हैं सुबह उठते? कहते हैं हाँ बिल्कुल पीता हूँ। तो चाय के साथ आप क्या खाते हैं? तो कहते हैं मैं ना 6-7 खारी बिस्किट खाता हूँ, बस बिल्कुल लाइट रहते, हल्के फुल्के वो खाता हूँ। अब वो जो खारी बिस्किट है जो वो खा रहे थे, पफ जो खारी आती है, तो वो जो 6-7 खारी खा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा डालडा या लाइक हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट होता है, कि जिसकी वजह से उनकी एसिडिटी इमीजिएटली शूटअप हो रही थी। तो दूसरी चीज़ है कि जो बिस्किट्स या हम हिडन फैट्स जो खाते हैं उससे भी एसिडिटी काफ़ी बढ़ती है। तो आप जैसे बिस्किट या ऐसे कुछ का जो सेवन होता है वो कम कर दीजिए। और किससे होती है एसिडिटी? के ऑयली डीप फ्राइड फूड तो सबको पता है कि उससे एसिडिटी होती है, पर और किस चीज़ से होती है? बहुत लोगों को आदत होती है कि काम में बहुत बिजी हो जाते हैं और जब एक्चुअली भूख लगती है तो भूख में खाना खाने की बजाय वो लोग चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो बार बार चाय या कॉफ़ी पीने से भी आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो आपको वो करना बंद कर देना चाहिए। जब भूख लगती है तब खाना खाइए, कुछ यू नो eat something and not have tea or coffee when you are you know like say when you are actually hungry, तो उससे आपकी acidity ठीक रहेगी। एक और चीज़ क्या आप कर सकते हैं, और वो है कि आप जब भी खाना खा रहे हो, क्योंकि acidity काफ़ी बार ऐसे में भी होती है जब आपके diet में probiotics कम हो, तो अगर आप आपके लंच और डिनर के साथ दही या बटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपके जो प्रोबायोटिक्स है वो बढ़ जाएंगे, डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और एसिडिटी कम होने में आपको मदद रहेगी। एक और चीज़ जिससे होती है एसिडिटी वो है कि अगर आपको आपकी नींद पूरी ना हो रही हो। काफ़ी लोगों को इश्यूज होते हैं कि रात को नींद नहीं आती, रात रात भर जगे रहते हैं और फिर उठते हैं तो एसिडिटी, माइग्रेन्स, ऐसे चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपको ये करना ज़रूरी है कि आपकी नींद फिक्स करें, क्योंकि अगर आप आपके जो स्लीप इश्यूज है उसको फिक्स करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लाइफ से जो है वो सही हो जाएगी। सो ट्राई एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप। नींद कैसे लाइक यू नो हाउ टू स्लीप वेल, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं, ताकि आप यू नो यू कैन एड्रेस दिस इशू।
अनदर थिंग जिससे एसिडिटी आपकी कंट्रोल में आ सकती है और वो है कि आप हाई फाइबर डाइट खाएं, मतलब ज़्यादा सब्जियां और फल इसका इस्तेमाल प्रयोग करें आपके डाइट में दिन भर में, तो ताकि आपको जो एक्सेस बाइल जो होता है पेट में वो अब्जॉर्ब हो जाए और आपके पेट से निकल जाए, तो उससे एसिडिटी ना हो। रात को देर से डिनर करना इज़ अनदर कॉज कि जिससे आपको एसिडिटी होती है, तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले ही आपका खाना हो जाए ताकि आपको एसिडिटी ना हो और आपके जो पेट में खाना है उसको डाइजेस्ट होने का समय मिले और उसके बाद ही आप सोए। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है हर मील के साथ, अगर आपको काफ़ी एसिडिटी होती है तो हर मील के बाद आप एक फल खाइए। इनफैक्ट इवन आपके दिन की शुरुआत भी आप एक फल से कर सकते हैं, जैसे कि केला या एप्पल या इवन हाफ एन एप्पल। सो डोंट स्टार्ट योर डे विथ टी और कॉफ़ी, बट स्टार्ट योर डे विद अ फाइबर रिच एप्पल और एनी फ्रूट फॉर दैट मैटर। उससे अगर आप शुरू करेंगे तो जो सुबह सुबह उठते ही जो लोग एसिडिटी से परेशान होकर उठते हैं तो वो जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। और आप इसी तरह आप हर लंच और डिनर के बाद भी या इन बिटवीन जैसे 4 बजे ऐसे भी अगर आप फल खाएंगे तो आपके एसिडिटी लेवल्स कम रहेंगी। और आखिरी बात जो आप कर सकते हैं वो है कि दिन भर आप क्यूकम्बर का जूस पीते रहे, क्योंकि क्यूकम्बर जूस हैज़ बीन शोन टू कंट्रोल एसिडिटी। तो आपको अगर एक्सट्रीम एसिडिटी है या बार बार ऐसे थोड़ा सा जलन जैसा ऐसे अगर होता ही रहता है, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रिफ्लक्स कुछ लोगों को होता है, तो अगर आपको ऐसा है तो आप क्यूकम्बर जूस भी का सेवन कर सकते हैं दिन भर में ताकि आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहे। और आखिरी बात एक्सरसाइज, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका डाइजेशन जो है वो भी ठीक बना रहेगा और आपको ये कुछ भी इश्यूज सताएंगे ही नहीं। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट रमिता। मैंने आपको बताया कि एसिडिटी के अगर इश्यूज है तो आप कैसे सॉल्व करें। ये वीडियो आप श्योर आप कम से कम 10 लोगों को जानते होंगे जो एसिडिटी से परेशान है, तो उनके पास उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे न्यूट्रिशन कंसल्टेशन प्रोग्राम्स अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो amitagadre.com पर जाइए। और आप सबको एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूँगी, शुक्रिया, क्योंकि मेरे फेसबुक पे 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, ये सब आप ही की वजह से है। तो प्लीज़ ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे इसका आप ताकि ज़्यादा शेयर करें। सो प्लीज़ हेल्प मी इंक्रीज़ द रीच और जैसे ज़्यादा लोगों तक हम ये जानकारी पहुँचा सकें और सबको बेनिफिट हो। और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ मैं, तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है @amitagadre, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।